साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है IT एग्जाम्स और IT जॉब से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि IT से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग चर्चा करेंगे ईस्टर्न रेलवे में जो है अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी गाइस बल्क में ओपन हुई है, लगभग 3100 से ज़्यादा पदों पर जो है ये अप्रेंटिसशिप जॉब जो है उसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे नोटिफिकेशन है, ईस्टर्न रेलवे की ओर से जारी किया गया है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स। ईस्टर्न रेलवे की कुछ यूनिट्स है जिनके अंदर जो है अप्रेंटिसशिप के लिए ये कुछ पोस्ट ओपन हुई है। राइट, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 सितंबर 2023, यानी कि ऑनलाइन आवेदन इस अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो है इसके लिए 26 अक्टूबर 2023। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन आप लोगों को सबमिट करवाना है एंड नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई भी तरीका जो है आवेदन का मान्य नहीं होगा। आगे देखिए, ट्रेड यूनिट कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स जो है वो कंप्लीट यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सी ट्रेड जो है कौन कौन सी यूनिट में कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हावड़ा, जो हावड़ा डिवीज़न है उसके लिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा फीटर ट्रेड जो है उसके लिए अनरिजर्व जो है, ठीक है, जनरल कैटेगरी जिसे हम कहते हैं 114 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है। इस तरीके से फीटर ट्रेड के लिए टोटल यहाँ पे 281 पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, वेल्डर के लिए 61 है, मैकेनिक मोटर मैकेनिक व्हीकल जो है उसके लिए यहाँ पे 9 पोस्ट अवेलेबल है, डीजल मैकेनिक के लिए जो है 17 पोस्ट अवेलेबल है, मशीनिस्ट के लिए जो है टोटल 9 पोस्ट अवेलेबल है, कारपेंटर पेंटर, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सभी ट्रेड्स के लिए ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए 220 पोस्ट अवेलेबल है। टोटल जो है इस यूनिट में 659 जो है पोस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यू कैटेगरी है उसके लिए अलग से है। तो यहाँ पे कंप्लीट पोस्ट जो है वो तो आप लोग देख लीजिएगा। ली लोहा वर्कशॉप के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारी पोस्ट, फिटर मशीनिस्ट सभी ट्रेड्स के लिए ऑलमोस्ट, जो भी टेक्निकल मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रेड्स है उन सब के लिए यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड यूनिट है वो है सील्दा डिवीज़न। ठीक है, सील्दा डिवीज़न के लिए भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए है। ठीक है, फिटर वेल्डर वायरमैन मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एसी, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सभी ट्रेड्स के लिए यहाँ पे लगभग 440 से ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल है। इसके बाद में कांचारा पारा वर्कशॉप, ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है। और टोटल सभी जो पोस्ट है ट्रेड वाइज वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, टोटल इस जोन में 187 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है मालदा डिवीज़न। मालदा डिवीज़न के लिए भी जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स है, अलग अलग ट्रेड्स के लिए पोस्ट अवेलेबल है अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आसनसोल, आसनसोल डिवीज़न जो है उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है और ये आपको दिखाई दे रही है आसनसोल डिवीज़न के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिवीज़न है रेलवे के, ईस्टर्न रेलवे के, जिसमें ये अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए वैकेंसीज ओपन हुई है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो जमलपुर वर्कशॉप, ठीक है, जमलपुर वर्कशॉप के लिए भी यहाँ पे पोस्ट वैकेंसीज जो है अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए अवेलेबल है। इसके बाद में देखिए रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट आपने देखी ली। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट है वो है
PWBD जो है पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनके लिए भी कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश गिवन है। एलिजिबिलिटी, योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम एज जो है वो होना चाहिए आपका 15 इयर्स, ठीक है, और 24 वर्ष जो है वो आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 इयर्स ऑफ एज, एज ऑन कट ऑफ डेट फॉर रिवाइजिंग रिसीविंग एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन आपका रिसीव होगा उस दिन तक आप लोगों की जो डेट है वो 24 वर्ष नहीं होनी चाहिए, यानी 24 वर्ष से एक दिन कम भी आप लोगों का चलेगा, समझ पा रहे हो। 23 साल और 364 दिन तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हो, राइट। इसके बाद में देखिए आप लोगों का जो है अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। जो रिजर्व कैटेगरीज है, जैसे मान लो STSC कैटेगरी है, उसके लिए आप लोगों को 5 साल का यहाँ पे छूट मिला है एज के अंदर, एज रिलैक्सेशन। 3 इयर्स का OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी जो है उनके लिए है, और जो डिसेबिलिटीज़ वाले बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उन कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी बढ़िया एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। OBC वाले लगभग 27 साल तक के जो युवा है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में देखिए आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास में 10th होना चाहिए, ठीक है, 10th या फिर 12th होना चाहिए विद 50% मार्क्स मिनिमम। इसके अलावा एंड ठीक है, शुड ऑल्सो पर्चेस अ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाई NCVT और SCVT, चाहे NCVT बोर्ड हो या फिर चाहे SCVT बोर्ड, आपके पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी नोटिफाइड ट्रेड है, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेड है उस ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास स्विंग सिलाई वाला जो है ITI का डिप्लोमा है और आप लोग फिटर के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर फिटर के लिए आपको आवेदन करना है तो फिटर ट्रेड से ITI आप लोगों के पास में होना चाहिए, राइट। इसके बाद में देखो यार कुछ मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया भी यहाँ पे गिवन है, तो ये चीजें तो आप लोग देख लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, जो भी आपके परसेंटेज मार्क्स होंगे 10th और ITI दोनों में, उसका एवरेज जो है निकाला जाएगा। और यहाँ पे सिंपली देखिए यार प्रोसेस भी गिवन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ये कन्फ्यूजन रहता है। फॉर एग्जाम्पल ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 80.58% इन मेट्रिकुलेशन, मतलब 10th क्लास में, और ITI में इतना परसेंटेज बना, ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो है वो उसके एवरेज मार्क्स से जारी किए जाएंगे, ठीक है। एवरेज मार्क्स जो है वो लिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका मेरिट लिस्ट जारी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आवेदन करना है आप लोगों को, योग्यता वगैरह कंप्लीट चीज़ें मैंने बता दी है। तो जो ईस्टर्न रेलवे है उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आप लोगों को आवेदन करना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी है 100 रुपये है, ठीक है, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए कितना है 100 रुपये फीस है, और इसके अलावा अदर जो कैटेगरीज है वो बिल्कुल फ्री है। ST, SC, PWBD, वीमेन कैंडिडेट्स, गर्ल्स भी जो है वो फ्री में आवेदन कर सकती हैं, राइट। तो इस तरीके से काफ़ी बढ़िया जो है एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हैं। गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यार रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हो यदि आप लोग, तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन फ्यूचर संभावना रहती है कि रेलवे के अंदर ही कोई ऐसी वैकेंसी आए जिसमें अप्रेंटिसशिप वालों को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ज़्यादा वरीयता दी जाए, राइट, दी जाती है। जनरली ऐसा होता है कुछ एक ऐसी वैकेंसीज आती है जिनमें अच्छी खासी वरीयता मिलती है अगर उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका फायदा भी उठा सकते हो और इसको इग्नोर भी कर सकते हो। एज यू विश, जैसा आप लोग चाहोगे वैसा आप लोगों को मिल जाएगा। तो डियर सभी जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, 26 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है,
जो भी आवेदन करने के इच्छुक है वह जरूर आवेदन करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।